नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोई भी एक नया एयरपोर्ट कैसे एस्टेब्लिश होता है, उस एयरपोर्ट के बनने को लेकर शुरू से आखिरी तक क्या प्रोसेस रहता है कि हाँ एक नया एयरपोर्ट यहाँ पर बनेगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में जानेंगे कि हरियाणा में नारनौल में एयरपोर्ट बनने की बात कहाँ तक सच है या झूठ, पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो ये सब बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से RTI के थ्रू जानकारी मांगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एक्ट के तहत मैंने जानकारी हासिल की है और वो सारी बातें जो मैंने RTI में मिली है मुझे, मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको तहे दिल से मेरा शुक्रिया। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लिखा कि मुझे बताया जाए कि नए एयरपोर्ट को एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस क्या है। इसके साथ साथ मैंने और भी बातें लिखी, ये RTI मैंने क्यों मांगी, क्यों मैंने ये जानकारी सब मांगी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, ये भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से पूछा कि नए एयरपोर्ट को इस्टेब्लिश करने का, सेटअप करने का क्या प्रोसेस होता है। मेरी RTI के जवाब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्लियरली जवाब दिया, पूरे देश में एयरपोर्ट डेवलपमेंट को लेकर एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी बनाई हुई है। 2008 में ये पॉलिसी बनाई गई है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के तहत कैसे एयरपोर्ट एस्टेब्लिश होता है, यहाँ क्लियरली मेंशन किया है RTI के जवाब में, आप देख भी सकते हैं। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को या किसी भी एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी एयरपोर्ट डेवलपमेंट का जो भी काम करती है, प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो कोई भी हो, उनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रपोजल बनाकर एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट के लिए कि हमें यहाँ विकसित करना है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत एक स्टेयरिंग कमेटी को प्रपोजल देते हैं। ग्रीनफील्ड पॉलिसी एक्ट के तहत जो स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है, वो स्टेयरिंग कमेटी साइट क्लियरेंस और आपके प्रपोजल को अप्रूवल देने का काम करती है। उसी की देखरेख में, मॉनिटरिंग में आगे भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है। ये था कि कोई भी नया प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के लिए कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। अब मैंने RTI के तहत पूछा कि हरियाणा में नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, नारनौल जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर एक बाछोद जगह है। बाछोद एक एयर स्ट्रिप है जो बहुत सालों से अवेलेबल है। यहाँ आज भी इमरजेंसी लैंडिंग, VIPs के जो भी मूवमेंट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन की लैंडिंग यहाँ पर होती है। इसके अलावा कुछ एक गवर्नमेंट जो आई थी, उन्होंने यहाँ पे एयर शोज भी किए थे, यहाँ पे काफ़ी सारा उस टाइम लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके बाद भी सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन यहाँ आज कुछ नहीं हुआ। यही बात मुझे बार बार खटक रही थी कि इतनी अच्छी लैंड अवेलेबल है, वहाँ एयर स्ट्रिप बनी हुई है, उसको क्यों नहीं विकसित किया जा रहा। उसी को लेके मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से पूछा कि क्या यहाँ का विकसित करने का कोई प्लान है आपका, या आप फ्यूचर में करने वाले हैं इसको। क्लियरली मुझे इस RTI के रिप्लाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि ना तो राज्य सरकार ने, ना किसी भी एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने, जो भी एयरपोर्ट डेवलप कंपनी होती, किसी ने भी आज तक टिल अप्रैल 2020 किसी भी तरह का कोई भी प्रपोजल स्टेयरिंग कमेटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, इस एयर स्ट्रिप से रिलेटेड, बाछोद एयर स्ट्रिप से रिलेटेड नहीं दिया है, नहीं भेजा है, नहीं आया है। हाँ, अगर भविष्य में किसी प्रकार का कोई अगर प्रपोजल आता है तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एज पर द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के तहत उसको कंसिडर करेंगे। ये जवाब मुझे RTI के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने दिया है, यानी कि आज तक हमारी किसी भी राज्य सरकार ने किसी भी तरह का प्रपोजल बनाकर दिया ही नहीं आगे। मैंने एक बैकअप डॉक्यूमेंट उठाया, आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लियरली लिखा है कि एयर स्ट्रिप ऑफ द बाछोद विल बी डेवलप्ड एंड मोर फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड, एयर स्ट्रिप ऑफ बाछोद एंड अदर, और भी बहुत सारे जगह के नाम लिखे हैं, विल बी डेवलप्ड एंड मोर फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड एट दीज एयर स्ट्रिप्स। उस समय के तत्कालीन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लिखा था,
जो भी हरियाणा राज्य के सिविल एविएशन के मंत्री थे उन्होंने यहाँ लिखा था कैबिनेट मिनिस्टर ने कि बाछोद एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा, वहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इस एयर स्ट्रिप को बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए। उसके अलावा उस समय के बहुत सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी होती थी कि बहुरेंगे अच्छे दिन, बाछोद एयर स्ट्रिप कई सालों बाद बहुत बड़ा डेवलप होने वाला है, ऐसे ऐसे बहुत सारे इमेजेस आप देख सकते हैं। यानी कि कुल मिला के लोगों के दिलों में, लोगों के मन में एक आस लग गई थी कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा। लेकिन सालों साल बीत गए, हम छोटे से बड़े हो गए, हम भी देखते आ गए, लेकिन आज भी उस एयर स्ट्रिप का कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा हैंगर जरूर बनाया गया है, एक प्लेन कोई खड़ा हो सके इतना एक हैंगर बना दिया। अब दोस्तों बात आती है, अगर ये एयरपोर्ट डेवलप होता है किसी भी तरीके से, किसी भी वे में अगर डेवलप होता है, कमर्शियल, पैसेंजर और किसी भी तरह का एडवेंचरस, पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ या किसी भी तरह के शो, मतलब कुछ भी अगर डेवलपमेंट यहाँ होती है तो क्या बेनिफिट होगा हम सबको? देखिए दोस्तों मैं क्लियर कर दूँ, अगर एयरपोर्ट किसी भी तरीके से डेवलप होगा तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो होगा यहाँ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को। और दोस्तों रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसी भी तरह के ढाबा, रेस्टोरेंट्स, होटल्स बढ़ेंगे। उसके अलावा लोगों को यहीं आसपास रोज़गार मिलेगा, कुछ ना कुछ तो इलाके का, क्षेत्र का विकास होगा। और मैं मेरे क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम लोगों से, मेरे साथियों से मैं समर्थन मांगता हूँ, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सब लोगों तक पहुँच जाए और कुछ ना कुछ यहाँ डेवलपमेंट के लिए आगे सब एक्शन लें। और ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रुक जाऊँगा दोस्तों, कारवा यहीं नहीं रुकेगा, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। जब मैंने कुछ सोचा है तो डेफिनेटली इस RTI के बेसिस पे हरियाणा गवर्नमेंट को भी लिखूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हरियाणा को भी लिखूँगा, मैं यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको भी लिख करके जवाब मांगूंगा। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लॉकडाउन की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा था क्योंकि हरियाणा में ऑफलाइन मोड में RTI का सिस्टम चलता है। मैं लिख करके जवाब मांगूंगा कि क्या है इसको डेवलप करने का प्लान। तो ये कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, अगर ये एयरपोर्ट डेवलप होता है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी क्योंकि मेरे क्षेत्र का, मेरे लोगों का विकास होगा। इस विकास के होने से मेरी ये मुहिम सार्थक हो जाएगी। आप लोगों का सपोर्ट, समर्थन जरूर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुँच जाए कि हाँ लोगों को विकास चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।